Hello, good morning, Vande Matram to all of you. Welcome you once again in English Grammar class with Pankaj sir. So friends, today we are going to solve passages of narration. So last time we have seen all the rules and all the regulation how to solve the sentences into indirect speech. So let's continue to solve directly passages. So bachcho, aaj humne पैसे सोल्व करना सोचा है. लास्ट टाइम हमने देखा, अब तक हमने सभी छोटे छोटे सेंटेंस देखे और कल हमने एक स्मार्ट बॉक्स भी देखा और हल्का से एक छोटे रूल्स भी देखे कि यस नो कैसे आए सर मैडम डियर बोला जाए तो क्या लिखना है उसके बारे में डिस्कशन किया. अब डायरेक्टली पैसे जिस प्रकार से एग्जाम में आता है राइट वो पैसे हम सोल्व करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल कंटिन्यू. See, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है एग्जाम में. टर्न द फॉलोइंग पैसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच जो एटलीस्ट 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए आता है. गॉट इट? 3 या 4 मार्क्स के लिए आता है. 3 मार्क्स के लिए आए तो 3 ही लाइन आएगी, 4 मार्क्स के लिए आए तो ऐसे 4 लाइन आएगी. ओके हर एक प्रकार के पैराग्राफ हमने लिए है. एक तो जो स्पीक वाला होता वो भी और डबल इनवर्टेड कॉमा जो होता है उस प्रकार का पैराग्राफ भी हमने लिया है. ओके सो शैल वी कंटिन्यू? यस चलो पैराग्राफ सोल्व करते हैं. सो पैराग्राफ सोल्व करने से पहले स्पीकर कौन है लिसनर कौन है ये ध्यान से पढ़ लेना होता है. सी अनिल इज द स्पीकर. ये जो है ना 2 डॉट्स इसको सेड बोला जाता है. अनिल सेड, सुनीता सेड, अनिल सेड, सुनीता सेड. ओके अब अनिल क्या बोल रहा है? लेट्स गो टू विजिट ताजमहल एट आगरा. चलो आगरा में ताजमहल की मुलाकात लेते हैं. सुनीता सेड हाउ शैल वी गो. हम कैसे जाएंगे? अनिल सेड वी विल गो बाय ट्रेन. सुनीता सेड व्हाट अ वंडरफुल आइडिया इट इज. सुनना अभी नरेशन अभी सॉल्व करते समय पहला वाक्य कौन बोल रहा है? अनिल. ओके तो सुन कौन रहा होगा? ऑब्वियसली कौन? सुनीता. जब सुनीता बोलेगी तो सुनेगा कौन? अनिल. करेक्ट. तो मतलब हर सेंटेंस जब भी हम सोल्व करेंगे ना तब हमें लिखना पड़ेगा कि किसने किससे बोला. पहला सेंटेंस सोल्व करेंगे ना तो हम दोनों का नाम का जिक्र करेंगे राइट दोनों के नाम का जिक्र करेंगे कि अनिल ने सुनीता से कहा. फिर बाद में क्या करेंगे हम? स्पीकर का नाम तो लिखेंगे लेकिन लिसनर विल बी टर्न इंटू हिम और हर. अगर बॉय होता तो लिसनर हिम में जाएगा, गर्ल होती तो लिसनर हर में जाएगा. ओके यह हम लिख लेते हैं. लिसनर अगर बॉय होता है तो हिम में जाएगा, अगर गर्ल होती है तो हम हर में लिखेंगे बट स्पीकर का नाम लिखेंगे. ओके ओके सॉल्व करते हैं. अनिल लेट्स वाला वाक्य तो आपके स्मार्ट बॉक्स में देखो. लेट्स वाले वाक्य में हमने सेट टू की इन प्लेस ऑफ क्या लिखा है? सजेस्टेड या तो प्रपोज्ड. तो हम लिखते हैं अनिल सजेस्टेड. किसे सजेस्टेड? कौन सुन रहा है? सुनीता. तो यहाँ लिखेंगे हम सुनीता. कनेक्टर विल बी दैट. आप लेट्स वाले वाक्य में देखोगे ना तो कनेक्टर दैट मिलेगा आपको. ध्यान से सुनना वीडियो पूरा. से पैराग्राफ जिसे सोल्व कर रहे हैं ना अब समझ में आ जाएगा तो ईजिली पैराग्राफ सोल्व कर पाओगे. अनिल सजेस्टेड सुनीता दैट. लेट्स का क्या चेंज होता है? दे शुड. क्या लिखा है आगे? गो टू विजिट. जैसा है वैसा गो टू विजिट ताजमहल एट आगरा. ओके देखो अब हम पैराग्राफ सोल्व कर रहे हैं. हम तो याद रखना कि डायरेक्ट नई लाइन नए से नहीं स्टार्ट करना, उसी के आगे कंटिन्यू कर देना है. पैराग्राफ सोल्व में ऐसा होता है, डायरेक्ट पैराग्राफ सोल्व करेंगे. अगला वाक्य कौन बोल रहा है? सुनीता बोल रही है. हाउ शैल वी गो दे? वी गो क्वेश्चन मार्क. दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सेट टू की जगह हम क्या लिखेंगे? आस्क क्वेश्चन या इंक्वायर. तो हम लिखेंगे यहाँ पे सुनीता आस्क्ड. किसे आस्क कर रही है सुनीता? पूछ रही है अनिल से. अनिल कौन? बॉय है. तो लिसनर में क्या लिखेंगे हम? हिम. ओके प्रश्न की शुरुआत किससे हुई? हाउ से. तो कनेक्टर विल बी हाउ. अब सब्जेक्ट ढूंढना. सब्जेक्ट कौन सा है? वी. वी मतलब हम कैसे जाएंगे? तो मतलब कौन जाएंगे? वे लोग कैसे जाएंगे. इनडायरेक्ट में वी का क्या हो जाता है? दे. विल का शाल का क्या हो जाएगा? उल्ड. देखना फिर से. सुनीता आस्क्ड हिम हाउ दे वुड. आगे लिखा है गो.
ओके। अब अगला वाक्य कौन बोल रहा है? अनिल। देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं तो ध्यान देना, अनिल बोल रहा है। तो अनिल क्या बोल रहा है? सुनीता के प्रश्न का जवाब दे रहा है। अनिल सुनीता के प्रश्न का जवाब दे रहा है, मतलब वी कैन राइट हियर अनिल रिप्लाइड। अनिल रिप्लाइड किसे? हर को। सिंपल वाक्य देखो, वी विल गो देयर बाय ट्रेन, तो सिंपल वाक्य तो कनेक्टर विल बी दैट, कनेक्टर यहाँ दैट लिखेंगे। फिर क्या लिखा? वी मतलब हम, हम मतलब कौन? वे, तो यहाँ लिखेंगे दे। फिर क्या लिखा है? विल, विल का क्या चेंज होगा? उल्ड। फिर गो का गो, बाय का बाय, ट्रेन का ट्रेन, फुल स्टॉप। फिर सुनीता का बोला गया वाक्य देखना कैसा है। व्हाट अ वंडरफुल आइडिया इट इज, व्हाट अ वंडरफुल, तो ये तो एक्सक्लेम्ड वाला वाक्य हो, राइट? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। तो लेट्स सॉल्व करते हैं। सुनीता एक्सक्लेम्ड विथ, अब यहाँ लिखा है व्हाट अ वंडरफुल आइडिया इट इज, तो तारीफ हुई, सरप्राइज हुआ है, राइट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, किसने बोला? सुनीता ने। तो सुन कौन रहा है? हिम। इसमें कनेक्टर क्या था? दैट। ओके, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया इट इज को सिंपल बनाओ। अब इसको सिंपल बनाएंगे तो क्या होगा? इट इज अ वेरी वंडरफुल आइडिया, ये हमने सिंपल बनाया। अब इसको सेंटेंस में अप्लाई करते हैं, राइट? तो इट का इट लिखेंगे, इज का क्या हो जाएगा? वॉज अ वेरी वंडरफुल आइडिया। ओके, है समझ में? समझ, ध्यान देखना भाई, कहाँ कहाँ क्या सोल्व हुआ है, किसको कैसे चेंज किया, हमने ये देखना जरूरी है तुम्हें। वो समझ जाओगे तो पैराग्राफ इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ सोल्व करते। नेक्स्ट पैराग्राफ में ध्यान रखना, डॉक्टर और पेशेंट के बीच बातें हो रही है। पहले समझ लेते, पढ़ लेते, पूरा पढ़ना है जरूरी। डॉक्टर सेड हाउ आर यू नाउ, क्वेश्चन मार्क। पेशेंट सेड आई फील मच बेटर नाउ, डॉक्टर सेड कंटिन्यू द सेम मेडिसिन, पेशेंट सेड थैंक यू डॉक्टर। अब यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न होता है कि स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है। स्पीकर कौन है? डॉक्टर, और लिसनर कौन है? पेशेंट। तो कभी पेशेंट स्पीकर हुआ, डॉक्टर लिसनर हुआ। ओके, अब क्या करना है? हमें पता नहीं एग्जैक्टली ये डॉक्टर ही है कि सी है, पेशेंट भी हमें पता नहीं कि वो ही है कि सी है, तो किसी एक में मानकर पूरा सोल्व करना है। या तो दोनों को ही मानना है, या तो दोनों को सी मानना है, या तो ही सी मानो या सी ही मानो। लेकिन जो भी आप सपोज करोगे कि भाई डॉक्टर ही हो सकता है या पेशेंट सी हो सकता है, तो उसी में ही सॉल्व करना। ओके, हम दोनों को ही मानते हैं। ओके, तो हम लिखेंगे डॉक्टर आस्क कर रहे हैं, मतलब हम लिखेंगे डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट। प्रश्न की शुरुआत किससे हुई? हाउ से, सो कनेक्टर विल बी हाउ। ओके, वाक्य में सब्जेक्ट यू, यू कौन? पेशेंट। पेशेंट कौन? ही। तो हाउ ही, एम इज आर का हो जाएगा वॉज, नाउ का हो जाएगा देन। फर्स्ट सेंटेंस ओवर। फिर से सुनना, डॉक्टर आस्क्ड, प्रश्न पूछा। देखो डॉक्टर आस्क्ड पेशेंट, हाउ का हाउ, सब्जेक्ट यू है मतलब कौन? पेशेंट। तो ही में चेंज हुआ, एम इज आर का चेंज वॉज में, नाउ का देन में, फुल स्टॉप। आगे पेशेंट अब उस प्रश्न का जवाब दे रहा है, तो हम लिखेंगे पेशेंट आंसर्ड हिम। ओके, कनेक्टर विल बी दैट, सिंपल वाक्य है ना, देखो फुल स्टॉप आया, सिंपल वाक्य है, कनेक्टर दैट आएगा। आई मतलब कौन? पेशेंट। तो हो कौन? ही। फील का चेंज हो जाएगा फेल्ट, मच बेटर नाउ का देन। ओके, अब डॉक्टर देखो क्या सलाह दे रहा है। डॉक्टर सेड कंटिन्यू द सेम मेडिसिन, अब डॉक्टर सलाह दे रहे हैं, तो हम लिखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस है डॉक्टर एडवाइज्ड हिम, कनेक्टर विल बी टू, और कंटिन्यू का क्या लिखेंगे? कंटिन्यू। देखो ये सब रूल्स में लिखे हमने, हमने सेपरेट सेपरेट सेंटेंस पढ़े हैं, यह उस सभी सेपरेट सेंटेंस का एक पैराग्राफ बन गया है। तो हर सेंटेंस हम उस हर हर सेंटेंस हम जो जो हमने टाइप के अलग अलग टॉपिक देखे ना, उसके आधार पर सॉल्व कर रहे हैं। ओके, टू कंटिन्यू द सेम मेडिसिन, अब डॉक्टर पेशेंट क्या बोल रहा है? थैंक यू डॉक्टर, मतलब लिखेंगे हम पेशेंट, थैंक यू का चेंज क्या हो जाएगा? थैंक्ड में, किसको?
डॉक्टर को, डॉक्टर लिखा भी है, देखो यहाँ पे लिखा है तो आप भी इसे बार बार मत लिखना, डॉक्टर हमने हिम माना है, तो पेशेंट थैंक्ड हिम, बस हो गया। ओके बस हो गया। अगला पैराग्राफ सोल्व करते हैं, ध्यान से रख देखना। अब तक हमने जो ऐसे पैराग्राफ देखे ना, ये 9-10 लेवल के तक आते हैं, 9 और 10 स्टैंडर्ड तक आते हैं, इवन 11-12 में भी आते हैं। लेकिन 12th क्या होता है, बड़े बच्चे होते हैं तो दे थिंक दैट दे आर मोर इंटेलिजेंट, सो वो इस प्रकार के पैराग्राफ देते हैं। फिर अब यहाँ पे डबल इनेड कॉमा वाला वाक्य पहले से दिया होगा, फिर पीछे लिखा होगा आस्ड मनीष। यहाँ पे ऐसे सेंटेंस में, ऐसे पैराग्राफ में हमें स्पीकर फाइंड आउट करना पड़ेगा, लिसनर फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके अब सुनते हैं, डबल इन कॉमा में लिखा है हाउ ऑफन डू यू सेव मोहन, क्वेश्चन मार्क, डबल इन कॉमा, आस मनीष, ऐसा मनीष ने पूछा। मनीष ने पूछा ये वाक्य, इनोटेड कॉमा के पहले वाला वाक्य किसने पूछा, मनीष ने। मनीष ने क्या पूछा कि हाउ ऑफन डू यू सेव मोहन। मनीष, सपोज हम मनीष है, हमने बोला मोहन तुम दिन में कितनी बार सेविंग करते हो, कितनी बार सेव करते हो, कितनी बार दाढ़ी करते हो, सेव मतलब दाढ़ी करना। ओके मतलब मनीष ने सामने वाले पर्सन को नाम से पुकारा, कौन से नाम से, मोहन से, तो लिसनर कौन हुआ, मोहन हुआ, बराबर। चलो 40 और 50 टाइम्स अ डे, 40 या 50 बार दिन में, देखो 40 या 50 बार दिन में ये दाढ़ी करता है, सेविंग करता है, राइट। तो ये अगला वाक्य बोला किसने होगा, किसने बोला होगा, मोहन ने। तो हम इंफॉर्मेशन के लिए मोहन शॉर्ट में लिख देते हैं, मोहन, राइट। आर यू मैड, क्या तुम पागल हो गए हो, किसने बोला ये, मोहन बोलेगा क्या, नहीं मनीष ने बोला होगा, तो यहां हम लिखते हैं मनीष। नो, वो बोलता है नो, नहीं मैं पागल नहीं हूं, आई एम अ बार्बर, मैं तो नाई हूं जो सेव करता रहता हो, राइट। तो ये कौन बोला है, मोहन। तो इस प्रकार आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मनीष मोहन, मनीष मोहन। अगर ये समझ में आ जाए ना कि कौन स्पीकर है कौन लिसनर है, एटलीस्ट स्पीकर भी पता चल जाए ना, तो लिसनर तो ऑटोमेटिकली पता चल ही जाता है। ओके सो लेट्स सॉल्व पैराग्राफ। मनीष आज, तो हम शुरुआत में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मनीष आज किसे, मोहन से। कनेक्टर क्या आएगा, डब्ल्यूएस क्वेश्चन खुद, तो हम क्या लिखेंगे, हाउ ऑफन, वाक्य में सब्जेक्ट यू, यू किसको बोला गया, मनीष ने बोला मोहन को, मोहन कौन, ही, राइट। ओपन आ गया, डू तो हट जाएगा, डू का असर इस पर हो जाएगा, सेव्ड। अब मोहन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमने स्पीकर में लिख दिया मोहन। ओके तो वो हो गया। अब मोहन जवाब दे रहा है, मतलब हम लिखेंगे मोहन replied मनीष, connector will be that, okay? और लिखा है, क्या लिखा, 40 और 50 times a day, ये short में बोला है इसने, right? इसने short में बोला है, तो अगर हमें पूरा करना होगा तो क्या करेंगे, सुनना, कोई भी वाक्य अगर किसी ने पूछा कि what is your name, और अगर उसने बोला रोहन, मतलब उसका कहने का मतलब my name is रोहन, राइट। तो उस वाक्य को माय से कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा भी नहीं आता समझ में तो याद रखना, ये जो भी शॉर्ट सेंटेंस पूछा होगा ना, इसका जो मुख्य वाक्य में, जो ऊपर के वाक्य में जो प्रश्न किया होगा ना, उसके बाद जो कनेक्टर लिखा होगा ना, कनेक्टर के बाद जो शुरुआत हुई होगी वो इस वाक्य की शुरुआत। कैसे, देखो हाउ ओपन लिखा है, ऊपर का वाक्य सॉल्व किया हमने, हाउ ओपन लिखे, हाउ ओपन के बाद क्या लिखा है, ही सेव्ड। तो बस अगले वाक्य की, अधूरे वाक्य की शुरुआत मिल गई हमें, क्या, ही सेव्ड, ही सेव्ड 40 और 50 टाइम्स अ डे, राइट। अगला कौन बोल रहा है, सेंटेंस अगला, नेक्स्ट पैराग्राफ सेंटेंस सॉल्व करते हैं। मनीष बोल रहा है आर यू मैड, तो हम लिखेंगे मनीष अगेन क्वेश्चन, देखो ये एक्स्ट्रा में जोड़ दिया हमने अगेन। पैराग्राफ सोल्व करते समय आप ऐसी वैरायटी ला सकते हो, मनीष अगेन क्वेश्चन हिम, आर यू मैड लिखा है तो कनेक्टर विल बी इफ, यू मतलब कौन, मनीष ने बोला ना, तो यू मतलब कौन, मोहन मतलब ही, राइट। तो लिखेंगे आगे, इफ ही वॉज मैड,
एमएचआर का चेंज हो गया वॉज में। तो अभी आगे देखेंगे मोहन क्या बोल रहा है। नो मतलब लिखेंगे नो बोल रहा है, मतलब हम लिखेंगे मोहन आंसर्ड कैसे जवाब दे रहा है, नेगेटिवली। किसे, हिम को, कनेक्टर दैट, कि बोल रहा भाई मैं नहीं मतलब मोहन आंसर्ड नेगेटिवली हिम दैट नो बोल रहा है। प्रश्न क्या पूछा, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो, मतलब क्या, नो नो आई एम नॉट अ मैड, मतलब उसको पूरा करना पड़ेगा, मतलब ही वॉज नॉट मैड। एंड एंड से जोड़ेंगे हम, एंड ही वॉज अ बार्बर, एंड से वाक्य जोड़ देंगे या तो उसे कंटिन्यू कर देंगे। उसने बोला नेगेटिवली हिम दैट ही वॉज नॉट मैड एंड ही वॉज अ बार्बर, क्योंकि वो पागल तो नहीं है, वो कौन है, वो तो बार्बर है। ओके तो इस प्रकार का पैराग्राफ सोल्व हुआ। तो ऐसे हम एक दो पैराग्राफ और पांच पैराग्राफ देंगे होमवर्क के तौर पे, वो इसी टाइप के रहेंगे जो तुम्हें सॉल्व करना होगा। कल फिर हम ऐसे दो तीन पैराग्राफ और सॉल्व करेंगे जो थोड़े हार्ड लेवल के होंगे, राइट। तो वहाँ पे हमें समझना होगा कैसे कैसे सॉल्व होगा। ओके आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड बेटर अंडरस्टैंड। सी यू, वंदे मातरम, जय हिंद।